अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड्स, मैं हिना उमर। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ चूँकि शुरू हो चुकी हैं, अगर हमने किसी फंक्शन पे जाना है तो हमें सबसे ज़्यादा मसला ड्रेस चूज़ करने के बाद ये होता है कि हम ऐसी कौन सी बेस अपने फेस पे अप्लाई करें जिससे हमारी फेस पे रिंकल्स ना पड़ें, लाइन्स ना पड़ें और हमारी जो बेस है वो ख़राब ना हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने कौन सी बेस यूज़ करनी है। और वो लोग, स्पेशली वो लड़कियां जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन के ऊपर जो बेस है वो टिकती नहीं है, वो अगर कहीं जाती हैं परेशान हो जाती हैं, उनकी जो बेस है वो फट जाती है, बेस पे लाइंस पड़ जाती हैं और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बार बार जाके वॉशरूम में या कहीं भी जाके अपनी बेस को सेट कर रही होती हैं। एनीवेज, खैर ये तो होगी मजाक की बात, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊंगी कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस बेस के बारे में बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेस है जो आप अपनी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। गर्मियों में मैं चूँकि क्राइलोन वालों का पैनकेक यूज़ करती हूँ, इसको मैं विद फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ और विदाउट फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो आपने जाने से पहले अपने फेस की पहले थोड़ी सी क्लिंजिंग कर लेनी है। क्लिंजिंग करने के बाद, आफ्टर क्लिंजिंग, आपने एक स्पंज लेना है जिसको आपने वेट कर लेना है पानी के साथ। ये देखिए, मैंने इसे वेट किया। वेट करने के बाद इसको आपने पानी निकाल देना है इसका, और पैन केक के ऊपर आपने यूँ रब करना है। रब करके आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है यूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि हम अगर वेट करके, जब पैन केक होता ही वेट करके यूज़ है, आपने इसको जब इस्तेमाल करना है, अपनी स्किन पे लगाना है, तो उससे ये होगा कि जो आपकी स्किन है उस पर पसीना भी अगर आएगा तो आपकी जो बेस है वो हटेगी नहीं अपनी जगह से, फटेगी भी नहीं और लाइन्स भी नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, वो लड़कियां जो कहती हैं कि जी हमने फाउंडेशन के साथ पैनकेक को यूज़ करना है, तो कोई इशू नहीं है, आपने कोई सी भी स्टिक ले लेनी है, मेरे पास टीवी पेंट की स्टिक है, तो आप उसको अपने फेस पे यूँ अप्लाई करें, उसको अप्लाई करके उसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लें अपने फेस पे फाउंडेशन को। और इस फाउंडेशन के ऊपर अगर आप चाहती हैं कि आपकी ये बेस भी ख़राब ना हो, तो आपने वही पैनकेक गीला स्पंज करके वही पैनकेक अपने फाउंडेशन के ऊपर यूँ अप्लाई कर लेना, ठीक है। इससे मैं आपको 101% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी जो बेस है वो ख़राब नहीं होगी। ये है विदाउट फाउंडेशन और ये है विद फाउंडेशन। आप मेरे दोनों हाथ देखें, जो आपको बेस अच्छी लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी जो बेस है वो ख़राब भी नहीं होगी, फटेगी भी नहीं, गर्मियों में पसीना आएगा तो अगर आप अपना पसीना हाथ, सख्त हाथ से भी यूँ साफ़ कर लेते हैं, यूँ यूँ करके साफ़ कर लेते हैं, तब भी आपकी जो बेस है वो ख़राब नहीं होगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी होगी आपके लिए। आप पैनकेक कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे पास क्राइलोन वालों का पैनकेक है, ये भी बेस्ट है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई किसी भी ब्रांड का पैनकेक ले सकते हैं जो आपकी स्किन पे, आपके स्किन के हिसाब से सूटेबल हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कमेंट में कुछ पूछना चाहता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। और इससे पहले मैंने एक इंटरफेस की वीडियो बनाई थी जो कि मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद की, उसके बाद मुझे ये आया कि पैनकेक कैसे यूज़ करते हैं, मुझे उसके बारे में बताएं। तो मैंने अब आपको पैनकेक कैसे यूज़ करते हैं, फाउंडेशन गर्मियों में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने आपको उसके मुतालिक सारा गाइड कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।